अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। माइक्रोबायोलॉजी में हम एसेप्सिस पढ़ रहे हैं और एसेप्सिस में हम इस स्लाइड तक पहुँचे थे जिसमें हमने पढ़ा था कि मेडिकल एसेप्सिस क्या होती है, सर्जिकल एसेप्सिस क्या होती है। मेडिकल में मैंने आपको बताया था कि क्लीन करना होता है, जैसे कि आपने ऑपरेशन थिएटर को क्लीन करना है या आपने वार्ड को क्लीन करना है, तो उसमें जो है माइक्रोब्स हो तो सकते हैं लेकिन वो इतनी क्वान्टिटी में होने चाहिए जो आपको इन्फेक्शन कॉज ना कर सकें, ठीक है, यानी कि बहुत ज़्यादा नहीं होने चाहिए, जिसे कहते हैं सफाई होना। सर्जिकल एसेप्सिस में बताया कि बिल्कुल स्टेराइल होना चाहिए, यानी कि एक भी माइक्रोब ना हो, ठीक है, क्योंकि अगर सर्जरी करते हुए वो माइक्रोब इंसान के ब्लड में चला जाएगा तो वो सेप्टिसीमिया कॉज करेगा, यानी कि इन्फेक्शन कॉज करेगा ब्लड का या आपकी पूरी बॉडी का, सिस्टेमिक इन्फेक्शन इसे कहेंगे, ठीक है। नेक्स्ट आ जाते हैं जी इन्फेक्शन प्रिवेंशन पे, कैसे आप प्रिवेंट कर सकते हैं इन्फेक्शन को। तो जो स्टैंडर्ड प्रिकॉशंस ली जाती हैं, यानी कि स्टैंडर्ड एहतियाती तदाबीर जो हर जगह ली जाती हैं, हर जगह लोगों को गाइड किया जाता है इनसे, वो क्या है। अज्यूम ऑल पेशेंट्स इन्फेक्शस। आप हॉस्पिटल में हैं, ठीक है, अब आपका तो यही रोल है, आप प्रोफेशनल हैं हॉस्पिटल के, ठीक है, नर्सिस, बींग नर्स, तो आपने क्या करना है कि जितने भी पेशेंट्स हैं आपने सबको यही समझना है कि सब जो हैं वो इन्फेक्शस हैं। ऑब्वियसली पेशेंट जो आए हैं वो किसी बीमारी के साथ आए हैं, ठीक है, हो सकता है कि उन्हें कोई इन्फेक्शन ना हो, कोई और इंजरी वगैरह आई हो, लेकिन इंजरी के बाद भी इन्फेक्शन हो जाते हैं, ये भी आप सबको पता है, ठीक है ना। इसमें डिफरेंस तो आपको पता है ना कि जब इंजरी आती है तो इसका मतलब होता है कि मसल डैमेज हुआ है कोई चोट लगने से, लेकिन जब वो चीज़ डैमेज हो जाती है तो जो आपके अपॉर्चुनिस्टिक बैक्टीरिया हैं वो उधर आके इन्फेक्शन भी कॉज करना स्टार्ट कर देते हैं। तो आपने हर पेशेंट को यही समझना है कि ये इन्फेक्शस है, ठीक है, फिर उसके ब्लड, उसकी जितनी भी फ्लूइड्स हैं, उसकी जितनी भी चीज़ें उसके कॉन्टैक्ट में हैं वो यूज़ कर, उनके कॉन्टैक्ट में आने से पहले भी आपने हाथ धोने हैं और उनके कॉन्टैक्ट में आने के बाद भी आपने हाथ धोने हैं और अपने आप को फिर भी प्रोटेक्टेड रखना है, अपने क्लॉथेस को, अपने हर चीज़ को, ठीक है। तो आ जाता है इसमें ब्लड, पेशेंट का ब्लड भी ऑब्वियसली कॉन्टेमिनेटेड है फिर माइक्रोब्स के साथ, बॉडी फ्लूइड्स हो जाते हैं, बॉडी सब्सटेंसेस हो जाते हैं, यानी कि कोई लेजन है, ज़ख़म है, वो उसका बेडशीट पे लग गया हाथ, ठीक है, और ज़ख़म था कोई पस थी वो उधर लग गई, तो वो भी क्या है, कॉन्टेमिनेटेड है, ये आपने चीज़ें माइंड में रखनी है। फिर हैंड हाइजीन आपने बहुत ज़्यादा रखनी है, आप पेशेंट चेक करने से पहले हाथ धोएं, बाद में हाथ धोएं, ठीक है, ग्लव्स यूज़ करें, मास्क ग्लव्स यूज़ करें, गाउन यूज़ करें, मास्क यूज़ करें, गॉगल्स, फेस शील्ड्स। फिर मैं वही एग्जांपल दूंगी कि जैसे कोरोना में है और कोरोना जो है वो कम्युनिकेबल डिजीज़ है, यानी कि छूत की बीमारी के हाथ लगाने से फैलती है, हाथ लगाने से वैसे तो नहीं फैलती लेकिन जिस तरह से बैक्टीरिया या उसका जो वायरस है, सॉरी, वो उसके कफ में, जब कोरोना का पेशेंट कफ करता है, ठीक है, खांसी करता है तो उसके कफ से बाहर निकल के आता है, ठीक है। अब क्या होगा, उसकी खांसी से बाहर निकल के आके वो लेट से उसकी बेडशीट पे लग गया कोरोना का जो वायरस है, ठीक है, अब आपने जो हाथ लगाया या आप उधर बैठे हैं, ठीक है, तो आपके कपड़ों के थ्रू या किसी भी तरह से सांस के थ्रू अगर आप उस पेशेंट से बात कर रहे हो तो उसका सांस लेते हुए जो है वायरस वो भी उड़ के आपकी सांस के थ्रू भी अंदर जा सकता है। तो मास्क पहनना भी इंपॉर्टेंट है, आप वहाँ बैठ सकते हैं इसलिए गॉन्स पहनना इंपॉर्टेंट है, आप जो है उसको ट्रीट कर रहे हैं, उसको हाथ लगा रहे हैं और कहीं या किसी जगह को हाथ लगा रहे हैं, बेडशीट को या किसी भी चीज़ को, इक्विपमेंट को जिससे आपने उस पेशेंट को चेक किया है, तो आपको ग्लव्स पहनना ज़रूरी है, फिर गॉगल्स पहनना ज़रूरी है, आपकी आँखों के थ्रू भी जा सकता है, ठीक है, जाता है वैसे ये रेस्पिरेटरी ट्रैक के थ्रू है जो ये माइक्रोब है, लेकिन मैं दूसरों की बात कर रही हूँ कि अगर कोई और इन्फेक्शन हो जाता है जो आँखों के थ्रू ट्रैवल करेगा तो फिर गॉगल्स भी ज़रूरी हैं, फेस शील्ड्स यानी फेस को कवर रखना, ये सब कुछ जो है बहुत ज़रूरी है। फिर जी ट्रांसमिशन बेस्ड प्रिकॉशंस कौन सी होती हैं, यानी कि उसके फैलाव को रोकना, उसके लिए क्या एहतियाती तदाबीर इख्तियार की जाएंगी, उसमें आ जाती हैं स्पेसिफिक कम्युनिकेबल डिजीज़। अब जो स्पेसिफिक कम्युनिकेबल डिजीज़ हैं, यानी जो कि कम्युनिटी में और कम्युनिकेट करने से यानी मिलने जुलने से फैलती हैं, उनके लिए स्पेशल जो हैं ट्रांसमिशन प्रिकॉशंस दी जाती हैं। जैसे कि मुझे बताएं कि आजकल क्या प्रिकॉशन दी जा रही है, लॉकडाउन, ठीक है, आजकल जो लॉकडाउन किया गया है कोरोना के लिए वो भी इसमें आ जाता है, ठीक है, क्योंकि कोरोना इज़ अ कम्युनिकेबल डिजीज़, तो इसको ट्रांसमिशन बेस्ड, इसकी ट्रांसमिशन बेस्ड प्रिकॉशन क्या है, लॉकडाउन, के लोग आपस में ज़्यादा ना मिलें, ठीक है, जिसका बिल्कुल उल्ट हो रहा है, जिस तरह से मार्केट्स हैं उनको गवर्नमेंट ने तो अच्छा सोचा है अपने लोगों के लिए, लेकिन जिस तरह मार्केट्स 5 बजे तक उन्होंने लिमिट लगा दी कि सिर्फ 5 बजे तक खुली हैं, तो आप कभी देखें बैठ जाके इतना रश है कि कोई बंदा जा नहीं सकता और लोगों बंदे से बंदा जुड़ा हुआ है, इस तरह से हुआ है, पैर रखने की जगह नहीं है, ठीक है, इवन के ब्रांड्स पे भी जो है बाहर लाइंस लगी हुई हैं, आपने इंस्टाग्राम पे पिक्चर्स भी देखी होंगी रश की,
कि बाहर लाइंस लगवाई हुई हैं लोगों की, इतना रश हो गया। मतलब कि लॉकडाउन के लिए तो किया गया कि लोग ज़्यादा ना मिले, लेकिन जो लिमिट लगा दी है ना टाइम की, उससे बल्कि उल्टा और ज़्यादा ख़राब हो रहा है काम। तो ट्रांसमिशन बेस्ड प्रिकॉशंस जो हैं यहाँ पे आज के केस में जो है वो लॉकडाउन है आपका, ठीक है, जो आजकल चल रहा है। फिर यूज़ विद स्टैंडर्ड प्रिकॉशंस, फिर स्टैंडर्ड प्रिकॉशंस भी साथ में की जाएँ। स्टैंडर्ड प्रिकॉशंस में फिर वही आ जाएगा जी, मास्क लगा लें, ग्लव्स पहन लें, ठीक है। तो ये सारा जो है इन्फेक्शन प्रिवेंशन में आ जाता है। फिर थोड़े से जी केसेस डिस्कस कर लेते हैं कि क्या क्या इन्फेक्शन जो फैलते हैं और आप उसको प्रिवेंट कैसे कर सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले एग्जांपल आ जाती है रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन, इसकी प्रिवेंशन कैसे होगी। इसके रिस्क फैक्टर्स होंगे इन्वेजिव ट्यूब्स, ठीक है। जैसे आपने जो देखा होगा अक्सर पेशेंट को जो हॉस्पिटलाइज होते हैं उनके जो नाक में से एक ट्यूब गुजारी होती है, ठीक है, और वो अंदर तक जा रही होती है, तो वो जो ट्यूब है वो इन्वेजिव ट्यूब है, ठीक है, उसके थ्रू फैल सकता है। और लेट से उसके ऊपर कोई माइक्रोब लगा रह गया, आपने उसको स्टेराइल नहीं किया, ठीक है, और फिर आपने वो इंजेक्ट कर दी, तो क्या होगा, उससे भी इन्फेक्शन हो सकता है रेस्पिरेटरी ट्रैक का। प्रिवेंशन क्या होगी, ओरल हाइजीन, मुंह को साफ रखें, कुल्ली करें, जैसे हम वजू करते हैं, ठीक है, ब्रश करें, तो ये इसके थ्रू भी इन्फेक्शन जाता है। मुंह को साफ रखें, फिर कफिंग एंड डीप ब्रीदिंग, ठीक है, डीप ब्रीदिंग जो है वो होनी चाहिए। अच्छा, कफ जो होती है वो एक साइन है मेजर कि आपको जो है रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन हो चुका है जब भी, और ख़ास तौर पे जो वायरसेस होते हैं वो आपको कफ कॉज करते हैं क्योंकि वो लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन में रोल प्ले करते हैं। रेस्पिरेटरी ट्रैक में एक आ जाता है जी एक अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक और आ जाता है लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक। अपर में आ जाता है आपका मुंह और आपका गला, ठीक है, और लोअर में आपके लंग्स आ जाते हैं और आपकी जो एयर वे है सारा ये आ जाता है, ठीक है। तो जो वायरसेस होते हैं ना वो ज़्यादातर क्या होता है, जब आपको ज़्यादा खांसी होती है इसका मतलब होता है कि आपको वायरल इन्फेक्शन है, क्योंकि वायरस जो होता है वो लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन जो है वो ज़्यादा कॉज करता है, ठीक है, लंग्स के अंदर। इसीलिए तो जो कोरोना का वायरस है वो सांस का मसला कॉज कर रहा है क्योंकि वो लंग्स को अफेक्ट कर रहा है, ठीक है। और जो बैक्टीरिया वगैरह हैं वो ज़्यादातर अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक में इन्फेक्शन कॉज करते हैं, गला ख़राब हो जाएगा आपका बैक्टीरिया से, ठीक है, मुँह पक जाएगा। लेकिन ये कि जब वो ये वाला इन्फेक्शन कॉज करेंगे अपर वाला, तो साथ ही साथ वो लोअर वाला भी कॉज कर देते हैं। इसी तरह से जो कफ होती है वो स्टार्टिंग में बेशक वायरल हो, यानी कि वायरस की वजह से हो, लेकिन बाद में फिर बैक्टीरिया भी उधर आ जाते हैं, तो फिर हम उसे कहेंगे कि ये सेकेंडरी इन्फेक्शन हो गया। यहाँ पे प्राइमरीली तो वायरस ने इन्फेक्शन कॉज किया था, फिर बैक्टीरिया भी आके उधर इन्फेक्शन कॉज करने लग गया, तो ये एक सेकेंडरी इन्फेक्शन हो गया, ठीक हो गया। तो रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन से बचने के लिए ओरल हाइजीन ज़रूरी है, डीप ब्रीदिंग ज़रूरी है, अच्छे तरीके से सांस लेना, ठीक है। फिर वेंटिलेटर एसोसिएटेड नमोनिया बंडल्स, फिर क्या होता है कि वही नमोनिया जो होता है वो होता है सांस लेने में दुश्वारी होना। क्यों? क्योंकि आपके जो लंग्स हैं उन एयर वे जो थी यहाँ से हवा गुजरनी थी उधर ब्लॉकेज आ जाती है। ब्लॉकेज क्यों आती है कि वहाँ पर रेशा जम जाता है, ठीक है, और रेशा क्यों जमता है, इन्फेक्शन की वजह से। कभी भी कहीं पे इन्फेक्शन होगा तो वहाँ पे जो है वो म्यूकस, अगर म्यूकस मेम्ब्रेन्स में होगा तो जैसे कि रेस्पिरेटरी ट्रैक के अंदर भी म्यूकस मेम्ब्रेन्स है सारी, ठीक है, वो जो बैठ रखती हैं उसे, तो वहाँ पे जब इन्फेक्शन होगा तो वो म्यूकस की प्रोडक्शन ज़्यादा कर देंगी, ठीक हो गया। जब म्यूकस की प्रोडक्शन ज़्यादा होगी तो रेशा, वो रेशे की फॉर्म में आएगा, ठीक है, और वो फिर उस जगह को ब्लॉक भी कर सकता है। और जब आपकी एयर वे ब्लॉक हो जाएगी, यानी कि जब आपका रेस्पिरेटरी ट्रैक कहीं से ब्लॉक हो जाएगा, तो ऑब्वियसली आप सांस नहीं ले सकते, आपको सांस लेने में मसला आएगा। जब सांस लेने में मसला आएगा तो आपका ब्लड ऑक्सीजनेटेड नहीं होगा। इस चीज़ को आप रिकॉल करने के लिए सारा सोचें, जैसे वो आपने पढ़ा है अपने मैट्रिक में FSC में कि हार्ट है वो किस तरह से पंप करता है ब्लड को, लंग्स के पास भेजता है, लंग्स के पास जाके वहाँ से जो एरेटेड ब्लड एयर जो होती है वो शामिल होती है और ऑक्सीजन ऐड होता है ब्लड में, वहाँ से ब्लड आता है ऑक्सीजनेटेड होके। तो अगर आपका रेस्पिरेटरी ट्रैक ही ख़राब है, इन्फेक्शन है, आप सांस ही नहीं सही ले पा रहे, तो इसका मतलब है आपके ब्लड में ऑक्सीजन ऐड हो ही नहीं रहा, और जब ऑक्सीजन ऐड नहीं होगा तो पूरी बॉडी को ऑक्सीजन कहाँ से मिलेगा, ठीक है। इसीलिए तो नमोनिया से पेशेंट्स की डेथ हो जाती है, और कोरोना में भी आपको पता है कि कोरोना वायरस की वजह से नमोनिया जैसे सिम्टम्स आ रहे होते हैं, ठीक है, यानी कि सांस लेने में दुश्वारी, सांस चढ़ जाता है, एयरवे ब्लॉकेज हो जाती है, फिर इसी वजह से तो डेथ होती है। फिर इन पेशेंट को हम वेंटिलेटर में डालते हैं, वेंटिलेटर एसोसिएटेड नमोनिया हो जाता है इनको, ठीक है, यानी कि उनको वेंटिलेटर पर डालना पड़ता है कि वो खुद अब सांस नहीं ले पा रहे, तो एक मसनूई मशीन जो है जिसे हम वेंटिलेटर कहते हैं वो उन्हें सांस दिलवा रही है, ठीक है।
और वेंटिलेटर जो होता है वो हार्ट बीट को भी करवाती है मैनेज, लेकिन अभी हम यहाँ पर रेस्पिरेटरी ट्रैक की बात कर रहे हैं। इस बात की समझ आ गई आपको कि किस तरह से निमोनिया होता है, यानी कि म्यूकस मेम्ब्रेन जो है वो माइक्रोब के आने की वजह से अपना म्यूकस बढ़ा देती है कि उसे स्लिप करके बाहर निकाल दे। लेकिन वो म्यूकस बढ़ाने का नुकसान क्या होता है कि वो जगह ब्लॉक हो जाती है। जब जगह ब्लॉक होती है आप सांस नहीं ले सकते, जब आप सांस प्रॉपर नहीं ले सकते तो आपका ब्लड जो है उसमें ऑक्सीजन मिक्स नहीं होगा, और ब्लड में ऑक्सीजन नहीं जाएगा तो आपकी पूरी बॉडी को ऑक्सीजन चाहिए, वो भी नहीं मिलेगा बॉडी को, और अल्टीमेटली इंसान की डेथ इसीलिए होती है कि उसकी बॉडी के सेल्स को ऑक्सीजन नहीं मिल रहा, बेसिकली ब्रेन को नहीं मिल रहा, दिल को, हार्ट को नहीं मिल रहा, किडनीज को नहीं मिल रहा, यही आपके वाइटल ऑर्गन्स हैं। ठीक है, बाकी जो होते हैं वो थोड़ा बहुत बर्दाश्त कर जाते हैं, लेकिन वाइटल ऑर्गन्स को जब ऑक्सीजन नहीं मिलता तो फिर इंसान की डेथ हो जाती है। फिर जेनिटो यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन में आ जाते हैं, यानी कि जेनिटल्स के और यूरिनरी ट्रैक जो है वहाँ के इन्फेक्शन, उसमें रिस्क फैक्टर आते हैं यूरिनरी कैथेटर्स। अब जो जिसे हम उर्दू ज़ुबान में कहेंगे पेशाब की नाली जो लगाते हैं पेशेंट्स को, ठीक है, उसके थ्रू बहुत इन्फेक्शन होते हैं। तो अगर हॉस्पिटल के अंदर नर्सेज जो हैं या जो इस मतलब के वैसे नर्सेज का ये काम नहीं होता, ठीक है, वहाँ पे हॉस्पिटल्स में आया होती हैं, ठीक है, आपा जी जिसे कहते हैं वो लगाती हैं ये कैथेटर्स, लेकिन आपका ये काम है कि इस चीज़ को मॉनिटर करें कि इधर वो कंटेमिनेटेड कैथेटर तो नहीं यूज़ कर रही, ठीक है, तो या अगर वो कैथेटर किसी का रिमूव किया है तो उसे वो प्रॉपर जो है डिस्कार्ड कर रही हैं या नहीं, यानी प्रॉपर जगह पे फेंक रही हैं नहीं, या वो रख के कहीं और ना रख दें कि वहाँ से माइक्रोब या जगह पे लग जाएं, ठीक है, एट्सेट्रा एंड एट्सेट्रा। तो कैथेटर्स जो हैं यूरिनरी कैथेटर्स के थ्रू जो है वो जेनिटो यूरिनरी इन्फेक्शन जो है वो बहुत ज़्यादा फैलता है। फिर आ जाता है जी सर्जिकल बाउंड इन्फेक्शन, सर्जरी में जो ज़ख्म आता है उसके इन्फेक्शन, स्टेराइल टेक्निक फॉर ड्रेसिंग चेंजेस मॉनिटर बाउंड। अब सर्जरी में यानी आपने सर्जरी की, ठीक है, यानी कि कट लगाया, ठीक है, अब कट लग गया, अब वहाँ पे आपकी जो स्किन है वो तो हट गई ऊपर से जो बैरियर था माइक्रोब्स के लिए, फिर नीचे आपका जो सिस्टम है वो अब एक्सपोज्ड हो गया है माइक्रोबियल वर्ल्ड के लिए, यानी पूरी माइक्रोबियल दुनिया के लिए वो सिस्टम आपका एक्सपोज्ड हो गया, अब वहाँ पे इन्फेक्शन के चांसेस बहुत 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 ज़्यादा है, ठीक है, तो वहाँ पे आपने क्या करना है, स्टेराइल टेक्निक यूज़ करनी है, यानी इक्विपमेंट्स के ऊपर माइक्रोब्स ना लगे हों जब आप सर्जरी कर रहे हो तो, और ड्रेसिंग चेंजेस ये सारी चीज़ों के लिए क्या है, यानी कि ड्रेसिंग करनी है, पट्टी लगानी है किसी के आपने, ठीक है, ज़ख्म के ऊपर, तब भी आपने उसको स्टेराइल रखना है। मॉनिटर वाउंड, फिर जो ज़ख्म है उसे मॉनिटर करते रहें, यानी उसे देखते रहें कि वो ज़्यादा पहले से ज़्यादा तो नहीं हो रहा, ठीक है, उसको उसमें आराम आ रहा है या नहीं आ रहा है, सारी चीज़ों को आप देखते रहें। चलिए जी आज हम यहीं तक पढ़ेंगे, और ये तो बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, आई थिंक आप सब लोग इसको तो इन्जॉय कर रहे होंगे बहुत ज़्यादा, और फिर भी कुछ ना समझ आए तो आप मुझसे पूछ लीजिएगा, और आप बुक में मुझसे किसी क्वेश्चन स्टूडेंट ने क्वेश्चन किया था कि हम बुक से भी कर सकते हैं, तो इससे बढ़ के अच्छी बात क्या होगी कि आप बुक भी साथ साथ फॉलो करें, ठीक है, आपको क्योंकि यहाँ पे तो मैंने पॉइंट्स लिखे हैं और मैं आपको जो पढ़ा रही हूँ वो असल लेक्चर है, ठीक है, जो बच्चे नोट करते जा रहे हैं उनके लिए अच्छा है, वेल एंड गुड, जो नहीं नोट कर रहे हैं फिर उनकी अपनी ज़िम्मेदारी है, ठीक है। चलें जी नेक्स्ट लेक्चर तक, अल्लाह हाफिज़, अस्सलामु अलैकुम।